हे गाइस नमस्कार। इस वीडियो में डिस्कस करेंगे कि हमें जमानती बनना चाहिए नहीं बनना चाहिए, जमानत देते समय हमें किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, वो इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं। तो देखिए, जमानत आपको देनी चाहिए नहीं देनी चाहिए ये आप पे पूरी तरह निर्भर करता है, क्योंकि देश स्वतंत्र है। लेकिन जमानत देते समय आपको किन बातों का ध्यान रखना है, इस बात को ज़रूर आप समझ लें। देखिए, जमानत से इस चीज़ को आप ज़रूर समझिए कि जमानत इज इक्वल टू आपकी एक जिम्मेदारी है। यानी जमानत आपसे जो जज हैं वो ये एक्सपेक्टेशन रखते हैं कि कल को ये पेशी पे नहीं आया तो ये आपकी ज़िम्मेदारी बनती है कि आप उसको यहाँ तक लेके आएंगे। अगर आप ऐसा करने में सक्षम नहीं होते या ऐसा नहीं कर पाते हैं तो आपकी जो जिस वैल्यू की आप जमानत दे रहे हैं वो अमाउंट आपका जमा जब्त हो जाएगा, या फिर आपको मैक्स टू मैक्स 6 महीने की सज़ा हो सकती है, जिसका विवरण 446 में के गो थ्रू करना आप CRPC का, उसमें एक्सप्लेन किया गया है। तो जमानत एक तरह की ज़िम्मेदारी है, इस बात को सबसे पहले जमानत देते समय आप ज़रूर सोच लें। अब बात करेंगे कि जमानत देते समय हमें किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। तो सबसे नंबर एक कि आप उन लोगों की जमानत बिल्कुल ना दें जो हैबिचुअल क्रिमिनल हो। यानी उसका एक केस यहाँ चल रहा है, उसका केस दूसरी कोर्ट में चल रहा है, तीसरी जगह चल रहा है। तो देखिए, जब जिस किसी ने एक बार केस कर दिया, कोई एक बार कोई आरोपी हो गया है, दोबारा भी उसके बाद किसी न किसी चीज़ में इन्वॉल्व है, तो वो आपके लिए जमानत देने के लिए आप उसमें बिल्कुल चक्कर में ना पड़ें, ये आपके आपको आगे जाके परेशान कर सकता है, राइट। दूसरा, आप जमानत देते समय आपसे 3 चीज़ें ही पूछी जाती हैं। नंबर एक, आप किसकी जमानत दे रहे हैं, उसे कैसे जानते हैं। नंबर दो, कि आप कितने अमाउंट का जमानत दे रहे हैं। और नंबर तीन, कि आज कभी ये कोर्ट में पेश नहीं हो पाया तो आप उसको यहाँ तक ला सकते हैं या नहीं, यानी आपका उस पर कंट्रोल है या नहीं। अब एक सवाल आता है कि क्या इसको अपनी जमानत आप विड्रॉल कर सकते हैं। तो बिल्कुल कर सकते हैं आप ऐसा। इसका जो पूरा प्रोसीजर है वो मैंने इस वीडियो में समझाया है, तो उसे आप आई बटन पर जाके देख सकते हैं। अब बात करते हैं कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट हमें संभाल के रखने चाहिए जब भी हम किसी की जमानत दें। तो नंबर एक, आपको जहाँ जिस एडवोकेट के यहाँ उनका केस चल रहा है या जहाँ इस प्रोसेस को करवाया जा रहा है, आपको जमानती बनाया जा रहा है, उस एडवोकेट का नाम और उसका मोबाइल नंबर इन फ्यूचर के लिए ज़रूर रख लें, ताकि कल को आप विड्रॉल करें तो उनसे आप कॉन्टैक्ट कर सकें। बहुत लोगों को ये याद नहीं होता। दूसरा, उसके केस की डिटेल आप ज़रूर मेंशन कर लें, हो सके तो वो ऑर्डर की एक फ़ोटोकॉपी अपने पास ज़रूर रखें। जो ऑर्डर जमानत के लिए हुआ था उसमें पूरी तरह मेंशन होता है कि किस डेट में जमानत हुई थी, उसका क्या केस क्राइम नंबर है और किस कोर्ट में उनकी जमानत हुई थी, उसका पूरी तरह से उसमें एक्सप्लेन होता है। तीसरा, कि उनकी एक दो डेट, जिन जिन पेशी पे वो जा रहा है उसकी कोई डेट आप अपने पास ज़रूर नोट डाउन रखें, हो सके जितना ज़्यादा हो सके उतनी ज़्यादा वहाँ नोट डाउन करके रखें। और अपडेटेड अगर आप उनसे रहते हैं तो साल में 2 बार उनकी कोई भी उनसे डेट पूछ कर अपने किसी रजिस्टर में किसी कॉपी में नोट डाउन कर लें, ठीक है। कि इसमें अपराध जरूर देख लें कि कितने बड़े अपराध में आप जमानत दे रहे हैं, वो भी आप एक बार ज़रूर चेक कर लें। तीसरा, कि जितना अमाउंट उसमें लिखा होता है उतने अमाउंट की ही आप जमानत दें। कई बार लोग क्या करते हैं कि 10,000 रुपये की जमानत देनी है, उसके चक्कर में 5-5, 50-50 लाख रुपये की वहाँ उनके पेपर रखवा लेते हैं और उसको बाउंड करवा लेते हैं। बाउंड करवाने का मतलब इसे समझिए कि कहीं एग्जाम्पल के तौर पे समझिए कि कहीं आपको 5,000 रुपये की जमानत देनी है और आपने अपनी कोई बुलेट मोटरसाइकिल की जमानत दे दी जो 1.5 लाख रुपये की है। कल को उसके RC पे क्या होता है, जब आप कोई इस तरह के पेपर आप मेंशन करते हैं ना, तो RC पे वो स्टैंप लगा देते हैं, कोर्ट अपनी स्टैंप लगा देता है कि आपने ये जमानत दे रखी है। कल को आप उसे बेचते हैं ना तो उसका आपको क्लियर करवाना पड़ती है वो चीज़ें। अगर आप ऐसा कुछ करते हैं तो भी आपको उन डिटेल्स की ज़रूरत पड़ेगी। और ऐसा भी मैंने कई बार देखा है कि जिसके आप जमानत देते हैं और कल को आपसे उनकी बात नहीं बनती है, आप अपनी जमानत विड्रॉल कराना चाहते हैं, आप उन एडवोकेट के पास जाएंगे, उन एडवोकेट को जिसका पहले से केस चल रहा है उनको बता देगा कि सर मेरा ऐसे ऐसे कुछ चल रहा है, तो आप उनकी जमानत या उनको कोई डिटेल मत देना। तो आपके पास डिटेल एडवांस में होंगे तो आप इसमें किसी और से भी काम करवा सकते हैं, ज़रूरी नहीं उन्हीं एडवोकेट से काम करवाना है, तो किसी दूसरे से भी आप काम करवा सकते हैं। बट ये डिटेल्स होना आपके लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इन्हीं से वो ट्रैक कर पाएगा कि कहाँ कहाँ किस किस कोर्ट में क्या केस क्राइम नंबर है, उसकी बाकायदा एक एप्लीकेशन बन के जाती है। तो आप करते हैं कि क्या आपको जैसे ही आप एप्लीकेशन देंगे एकदम से रिलीज हो जाएंगे, बिल्कुल नहीं, ऐसा नहीं होगा। जब भी आप किसी की जमानत देंगे तो आपको तुरंत उठाया नहीं जाता, आपको एक टाइम पर्टिकुलर एक टाइम दिया जाता है
क्योंकि पहले अगर मान लो कोई आरोपी है और वो किसी डेट पे नहीं गया, तो पहले उसके बेलेबल वारंट होंगे, फिर उसके नॉन बेलेबल वारंट होंगे, उसके बाद आपको नोटिस आएगा। नोटिस में आपको या तो बुलाया जाएगा या आपको कहा जाएगा कि उसे लेके आइए। आप वहाँ उस कोर्ट में जाके, उस डेट पे जाके कह सकते हैं कि सर मैं उसे ढूंढ रहा हूँ और मुझे थोड़ा समय चाहिए वहाँ। अगर आप समय मांगेंगे तो आपको समय मिल जाता है, ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है। दूसरा, ये मैं ऑलरेडी आपको बता ही चुका हूँ, आप उसको नहीं लाते तो आपका अमाउंट जब्त हो जाता है, अमाउंट नहीं देते तो आपको जेल हो जाती है। तो होप करता हूँ ये सारे सवालों के जवाब आपको मिले होंगे, और आपका कोई सवाल है तो हम इंस्टाग्राम पे भेज सकते हैं। मिलते हैं किसी दूसरी वीडियो में, टिल देन बाय।